रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि यूक्रेनी सेना प्रमुख जनरल वालेरी जालुजनी देश छोड़कर फरार हो गए हैं। उनके रूसी हवाई हमले में घायल होने की खबरें थी। पिछले एक महीने से जनरल जालुजनी को सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है। जनरल जालुजनी यूक्रेन में काफी प्रसिद्ध हैं। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण और रेसलर्स विवाद में पहलवान साक्षी मलिक और बबीता फोगाट आमने सामने हो गई हैं। बबीता फोगाट ने जमकर साक्षी मलिक को फटकार लगाई। बबीता ने साक्षी को चुनौती दी कि राजनीति करनी है तो खुलकर मैदान में आइए। आपकी बातें सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप पहलवानों के पक्ष में हैं या कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर बयान दे रही हैं। मुंबई के बीएमसी कोविड सेंटर स्कीम मामले में बुधवार सुबह प्रदर्शन निदेशालय ने शहर के 16 राज्यों में छापेमारी की। दरअसल कोरोना काल में उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के करीबियों को महाराष्ट्र में कई जगहों पर कोविड सेंटर बनाने के लिए ठेके मिले थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बुधवार को गुजरात के सूरत में एक साथ 1,25,000 लोगों ने योग कर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बना दिया। इस घटना के साक्षी राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बने। इसके लिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड की 2,500 लोगों की टीम सूरत आई थी। इस दिन को यादगार बनाने के लिए प्रशासन ने काफी तैयारियां की थी। हैदराबाद के एलबी नगर इलाके में बुधवार को एक फ्लाईओवर का स्लैब गिर गया। इस हादसे में 8 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि घायलों को सिकंदराबाद के KIMS अस्पताल में ले जाया गया। 2 लोगों के सिर में चोट आई है। मामले को लेकर संबंधित लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। राजस्थान में पहली बार मानसून से पहले बाढ़ जैसे हालात हैं। 4 दिन में चक्रवात विपर्जॉय से कई इलाकों में इतना पानी बरसा कि मानसून सीजन का कोटा पूरा हो गया। बाड़मेर, पाली, राजसमंद, भीलाबाड़, अजमेर के कई इलाकों में बाढ़ आ गई। बीते 24 घंटे में पाली में मुठान में 530 मिमी यानी कि 21.3 इंच बारिश हो चुकी है। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामले में गिरावट दर्ज की जा रही है। नए केस 50 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 51 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 101 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 69.6 करोड़ हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 68 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि 12.99 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। सोने के दाम में इन दिनों लगातार बदलाव हो रहा है। व्यापारियों द्वारा सौदे के आकार को कम करने से वायदा कारोबार में बुधवार को सोना 48 रुपए की गिरावट के साथ 58,761 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर रह गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त डिलीवरी के लिए सोना अनुबंध 13,378 लॉट के कारोबार में 48.08% प्रतिशत की गिरावट के साथ 58,761 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। आज सेंसेक्स ने 260.61 अंकों की बढ़त के साथ 63,588.31 का आंकड़ा छू लिया। इससे पहले सेंसेक्स का ऑल टाइम हाई 63,583.07 था, जो दिसंबर 2022 में बना था। यानी सेंसेक्स ने ऊंचाई का 6 महीने पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सेंसेक्स 195 अंक चढ़कर 63,583 के स्तर पर बंद हुआ। इसके 14 शेयरों में तेजी और 16 में गिरावट रही।